है आपके अपने चैनल टॉप शेयर टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाटा पावर कंपनी लिमिटेड। इस स्टॉक में देखें तो आज के दिन 2 रुपए 20 पैसे की तेजी देखने को मिली और ये स्टॉक 1% से भी ऊपर की तेजी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रेड करके चलना चाहिए। सबसे पहले अगर हम टेक्निकल्स पर ध्यान दें तो इस स्टॉक में पीछे के 1 सप्ताह में अराउंड 2% की तेजी देखने को मिली है। 1 महीने के अंदर 9%, 3 महीने में 4.5% की तेजी देखने को मिल रही है, परंतु 6 महीने में 2% की गिरावट देखने को मिली है और 1 साल के अंदर 5% की गिरावट देखने को मिली है। लॉन्ग टर्म में देखें तो इस स्टॉक में ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, परंतु शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में एक निचले लेवल पर एक रिकवरी देखने को मिली है। इस स्टॉक का देखें तो नीचे के एक लोअर सर्किट लगता हुआ नजर आया 185 रुपीज के इस स्टॉक में एक लोअर सर्किट लगा और यहीं से स्टॉक में एक रिवर्सल पैटर्न देखने को मिलेगा। स्टॉक का एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिलेगा 215 रुपीज के इस स्टॉक में एक रुकावट रेंज थी जिसे स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया। यहां से स्टॉक में एक मोमेंटम देखने को मिल रहा। तो अगर आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं तो अराउंड 210 रुपीज के एक बड़े स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के टारगेट अराउंड 250 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। स्टॉक के ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, इसलिए एक स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बनाए, वहां पर एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।